हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ताकि इन छुट्टियों में जब स्कूल बंद है तो थोड़ी सी पढ़ाई कर सको, पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। ये आपके क्लास 3rd की इंग्लिश की बुक का मैंने फोटो लगाया है, जो फ्रंट पेज है। ऐसी बुक है, कुछ बच्चों ने तो ले ली होगी, अगर कुछ बच्चों ने नहीं लिए कोई बात नहीं। हम लोग आज जो फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, इसकी हेडिंग है गुड मॉर्निंग, ठीक है? तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? चलो देखो, ये फर्स्ट बुक, इंग्लिश की न्यू बुक में फर्स्ट चैप्टर है, जो एक पोएम है, इसकी हेडिंग है गुड मॉर्निंग, उससे रिलेटेड है, ठीक है? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करना है, एक कॉपी लेना है, पेंसिल लेना है, ठीक है? और उसमें हेडिंग डालना है। क्या हेडिंग डालना है? गुड मॉर्निंग, ठीक है? और सब बच्चों को ये पोएम अपनी कॉपी में नोट करना है देख के। जिनके पास बुक है वो बुक से करेंगे, और जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैंने ये सारी पोएम, पूरी पोएम यहां लिख दी है सबके लिए, ठीक है? सो सब बच्चों को नोट करना है पहले, और फिर मेरे साथ रीडिंग करनी है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग द लिटिल विड दैट रन। एक बार और करते हैं। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग द लिटिल विड दैट रन। जब सुबह होती है तो हम लोग क्या करते हैं? वॉक पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वॉक पे जाते हैं। तो हम किसको विश करते हैं सबसे पहले? गुड मॉर्निंग। जब बाहर जाते हैं स्काई को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग स्काई। फिर सन को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग सन। इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची है जो सबको विश कर रही है। स्काई को गुड मॉर्निंग विश कर रही है, सन को गुड मॉर्निंग विश कर रही है। उसके बाद गुड मॉर्निंग द लिटिल विड डेट रन। अब जब वॉक करने के लिए जाएंगे, हल्की हल्की हवा भी चलती है, तो उस हवा को, ठंडी ठंडी हवा को भी विश करते हैं गुड मॉर्निंग। क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग। सब बच्चे अपने घर में विश करते हैं ना मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग, ठीक है? वैसे ही ये बच्ची अपनी मम्मी पापा को तो विश करती है, उसके अलावा स्काई को, सन को भी विश कर रही है, ठीक है? आगे देखते किस किस को विश करती है। गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज। आगे किसको विश कर रही है? बर्ड्स को विश कर रही है, फिर ट्री को भी विश कर रही है, ठीक है? सबको विश कर रही है। देखो इतने सब लोगों को विश कर रही है। सब लोग करते हो अपने घर में? अच्छा करते हो, फिर तो ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्या होता है। एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज। और किसको विश कर रही है? क्रिपिंग ग्रास। क्रिपिंग यानी कि, मालूम है किसी को? मीनिंग नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। क्रिपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। और ब्राउनी यानी जो ब्राउन कलर का जो होता है, ठीक, भूरा। बीज यानी कि मधुमक्खी। तो यानी कि जब हम वॉक के लिए जाते हैं तो हमें छोटी छोटी घास दिखती है, धीरे धीरे जो उग रही होती है, उसको विश करते हैं। ग्रीन कलर की भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है। ग्रीन का मतलब वो फ्रेश है, और ब्राउन का मतलब वो डाई हो रही है। तो बी ब्राउनी कलर की भी होती है, और भी मल्टीकलर की भी होती है बी। तो इसमें जो बच्ची देख रही है वो कैसे कलर की देख रही है? ब्राउन कलर की देख रही है, ब्राउनी बी देख रही है। नेक्स्ट आगे ब्राउनी बीज, ठीक है? हाउ डिड यू फाइंड आउट, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे। कैसे पता लगाते हो दिन आ गया, दिन हो गया? कौन बताता है? सन बताता है हमें। कौन बताता है? सन बताता है हमें कि भाई सुबह हो गई है, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं। हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे, हु टोल्ड यू नाइट हैड गॉन अवे। क्या अब हमें, किसने बताया हमें कि रात खत्म हो गई है? सन ने बताया। कैसे बताया? रोशनी करके, ठीक है? कैसे बताया? रोशनी करके, ठीक है? आगे देखते हैं क्या होता है। जब सब सबको गुड मॉर्निंग विश कर दिया हमने, सन ने हमें बता दिया भाई दिन हो गई है, रात चली गई है, रात खत्म हो गई है, तो फिर क्या होता है? आई एम वाइड अवेक, आई एम वाइड अवेक। आई अब
आई एम अप नाउ टू, मतलब क्या होता है कि घर में हम लोग क्या होते सो के उठते हैं, ठीक है, जब सुबह होती है तो, और फिर हम दूसरों को बोलते हैं हाँ मैं उठ चुका हूँ, उठ चुकी हूँ। लड़की क्या बोलती है? उठ चुकी हूँ। लड़के क्या बोलते हैं? उठ चुका हूँ। ठीक है, तो सबको क्या करते हैं उसके बाद? विश करते हैं। क्या विश करते हैं? गुड मॉर्निंग विश करते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या होता है? आई विल बी राइट आउट, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू। उसके बाद क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं, खेल सकते हैं। जब सुबह होती है तभी तो हम खेल सकते हैं ना, रात को तो मम्मी पापा बोलेंगे नहीं जाना है खेलने के लिए, लेकिन जब दिन होता है तब हमें अलाउ कर देते हैं। पर अभी अभी शायद नहीं अलाउ कर रहे होंगे सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है? इंडोर गेम खेलना है। ठीक है, एक बार और रीड करते हैं पोएम को। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग द लिटिल डेट रन, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज एंड क्रीपिंग ग्रास एंड ब्राउनी बीज, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे, हाउ डिड यू फाइंड आउट, हाउ डिड यू फाइंड आउट इट वॉज अ डे, हु टोल यू नाइट हैड गॉन अवे, हु टोल यू नाइट हैड गॉन अवे, आई एम वाइड अवेक, आई एम वाइड अवेक, आई एम अप नाउ टू, आई एम अप नाउ टू, आई विल बी राइट आउट, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू। सबको इसे दोबारा वीडियो को देखना है, ठीक है, और मेरे साथ बोलना भी है, इस पोएम को लर्न करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस पोएम में हमने क्या क्या न्यू वर्ड सीखा। तो इस कॉपी में क्या करना है, फर्स्ट पेज पे हमें पोएम लिखनी थी, ये पूरी पोएम, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पेज पे हमें क्या करना हैडिंग डालना है न्यू वर्ड का। किसकी हेडिंग डालनी है हमें? न्यू वर्ड्स की। मैं ऐसा लगाना भूल गया था, है ना, लेकिन भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है ना, प्लूलर है, इसलिए यहाँ एस लगाया, ठीक है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये वर्ड जो है इसे, हाँ नोट करना है, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया मुझे कि नोट करना है। ठीक है, इसको नोट करना है, स्पेलिंग भी लर्न करना है। क्रीपिंग, क्रीपिंग की मीनिंग होती है धीरे धीरे। अवेक, अवेक की मीनिंग क्या होती है? उठना, गेट अप। ठीक है, नेक्स्ट है गोन अवेक, गोन अवेक का मतलब होता है दूर जाना, चले जाना, गो गो से होता है ना जाना, तो उसे दूर जाना, अवेक का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट है ब्राउनी, ब्राउनी यानी भूरा, ठीक है, ब्राउनी, ठीक है, ब्राउनी एक कलर है। ठीक है, लास्ट में वर्ड है वाइड, वाइड का मतलब चौड़ा, बड़ा, इस तरह से कह सकते हो। तो ये पांचों वर्ड लिखना है, ठीक है, और इसकी स्पेलिंग लर्न करना है सब बच्चों को। चलो देखते हैं इस पोएम में हमने जो पढ़ा इससे रिलेटेड बुक में क्वेश्चन क्या है। जिनके पास बुक अच्छी है तो बुक में ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और जिसके पास बुक नहीं खरीदी कोई बात नहीं, सर ने यहाँ क्वेश्चन ला के दे दिया आप लोगों को। देखो कैसे, देखो नेक्स्ट ये आ गया क्वेश्चन, हेडिंग डालना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द चाइल्ड इन पोएम इज हैप्पी, उस पोएम में जो बच्चा है वो क्यों खुश है। हाँ कुछ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं, देखते हैं क्यों हैप्पी है। इसमें एक लाइन थी, आई विल बी राइट आउट, आई विल बी राइट आउट टू प्ले विद यू, यानी कि बच्चे को अब बाहर अपने दोस्त के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो बच्चा खुश किस लिए? खुश की उसकी खुशी की वजह है कि वो बच्चा बाहर जाके खेल सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चाइल्ड कैन गो आउट टू प्ले, अब बच्चा क्या कर सकता है? जाके खेल सकता है। तो इसे कॉपी में नोट करना है, ठीक है, बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लेना इसे यहां से, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसे नोट कर लोगे उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ना है, पहले आराम से नोट करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। अब ये सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूं, सुनो ध्यान से। टू हुम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग, अब बच्चे ने किस किस को गुड मॉर्निंग विश किया था उसका आंसर लिखना है। तो ये भी पोएम से हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल विंड,
और फिर किसको विश किया, गुड मॉर्निंग बर्ड्स, गुड मॉर्निंग ट्रीज, तो यानी कि इन सब लोगों को उसने क्या किया, विश किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा चाइल्ड ने किस किस को गुड मॉर्निंग विश किया, चाइल्ड से गुड मॉर्निंग किस किस को, टू स्काई, सन, लिटिल विंड, बर्ड्स एंड ट्रीज, ठीक है, इन सबको क्या किया चाइल्ड, गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, तो सबको क्या करना है यहाँ पे नोट करना है, ठीक है, क्या करना है, नोट करना है सबको। तो जब भी फर्स्ट क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में जाओगे एक लाइन छोड़नी है सब बच्चों को, क्लियर, एक लाइन छोड़ के लिखना है सुंदर सुंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, अब चाइल्ड क्या करना चाहता है, हाँ सही बोला, खेलना चाहता है बच्चा, जैसे तुम लोग भी खेलना चाहते हो वैसे वो बच्चा भी क्या चाहता है, टू प्ले, अब वो बाहर जाके खेलना चाहता है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, द चाइल्ड वांट टू प्ले, बच्चा क्या चाहता है, खेलना चाहता है। तो इसे भी अपनी कॉपी में थर्ड लिखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो मैंने ऐसे लिखा है, क्यू का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, तो लिखोगे द चाइल्ड वांट टू प्ले, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो मैंने करवाया क्वेश्चन, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर में, वो खुद से करना है, हाँ हाँ खुद से करना है, कैसे, देखो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन को, व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, तुम अपने आसपास दिन के टाइम में और फिर रात के टाइम में क्या देखते हो, उसे नोट करना है, ठीक है, और फिर किसमें नोट करना है, उसे कॉपी में, किस तरह से, देखो ड्रॉ इन द टू बॉक्सेस, अच्छा दो बॉक्स ड्रॉ करना है, उसमें इस पे आंसर लिखना है, फर्स्ट में क्या करना है, किसका आंसर होगा, डे में क्या देखते हो, सेकेंड में आंसर क्या होगा, नाइट में क्या देखते हो, ठीक है, डे में क्या देखते हैं वो लिखना है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या, नाइट में क्या वो लिखना है, कुछ इस तरह से, ये देखो इस तरह से लिखना आंसर, पहले डे के लिए बॉक्स बनाना है, फिर नेक्स्ट नाइट के लिए बॉक्स बनाना है, और इसमें ड्रॉ कर देना है, जितना चाहो उतना कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट टू तो ड्रॉ सबको करना है, थ्री कर लो, फोर कर लो, फाइव कर लो, जितनी मर्जी उतनी ड्रॉ करो, ठीक है, क्लियर है सबको, तो यहां पे ड्रॉ करना है, डे में जो भी देखते हो अपने घर के आसपास अपने सराउंडिंग में उसे नोट करना है, और नेक्स्ट नाइट में जो देखते हो उसे यहां ड्रॉ करना है, ठीक है, फर्स्ट डे में जो देखते हो उसे नोट करना है, और सेकंड में जो नाइट में, एटलीस्ट टू तो ड्रॉ सबको करना है, ज्यादा कितने भी कर लो, लेकिन ध्यान रहे इस बॉक्स के अंदर ही होनी चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं, और हाँ ये जो ड्रॉ करना है बॉक्स, पेंसिल और स्केल यूज करके, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये लाइन जितनी भी ड्रॉ करोगे बिल्कुल सीधी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द पिक्चर यू हैव ड्रॉन, अब जो भी ड्रॉ किया होगा इस वाले पिक्चर में, जो भी ड्रॉ किया, इसके लिए क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन फोर को पहले करना होगा, जब ही क्वेश्चन नंबर फाइव हो पाएगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन फोर करना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव पे आना, जो भी आप ड्रॉ करोगे डे में भी और नाइट में भी, तो यहां पे देख करके उसको वो यहां लिखना है, इस तरह से आंसर लिखना है, डे लिखना है, नाइट लिखना है, डे में क्या देखा जो भी देखा वो लिख देना है, नाइट में जो भी देखा वो लिख देना है, डे में जो देखा वो लिखना है, और नाइट में जो भी, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, डे में तो मुझे मतलब ये आंसर लिख मत देना, ये मैं अपने मेरा आंसर है और अपना आंसर अलग रखना, ठीक है, डे में तो मुझे सन दिखाई देता तो मैं सन लिख दूंगा, नाइट में मुझे मून दिखाई देता तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मून लिख दूंगा, इसी तरह से देख के सोच के खुद से करना है, ठीक है। तो ये फाइव क्वेश्चन सब बच्चों को करना है अपनी कॉपी में, जिस बच्चे के पास न्यू कॉपी नहीं है वो क्या करेंगे, पुरानी कॉपी में भी कर सकते हैं फिलहाल, और फिर बाद में जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो अपने आंसर हाँ न्यू कॉपी में कर लेंगे। और लास्ट में मैं बोलूंगा ये जो वीडियो है इसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड जितने भी क्लास के फ्रेंड है सबके साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि वो लोग भी इसे देख सके, उनको भी पता लगे कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी स्कूल बंद है इसलिए। और फिर इसमें कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, अपने आंसर को, कौन से आंसर को, इस वाले आंसर को,
ताकि मुझे पता लग सके किस किस बच्चे ने पढ़ाई की है। जिसका राइट आंसर होगा मैं समझ जाऊंगा कि इस बच्चे ने पढ़ाई की है, और जिसने आंसर नहीं किया इसका मतलब मैं समझूंगा उस बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई नहीं करी, ज्यादा मस्ती कर ली फिर उसने। तो सब बच्चों को आंसर करना है, कहाँ पे करना है? इस चैनल पे करना है। ये यूट्यूब पे एक चैनल मैंने क्रिएट किया है, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ठीक है। इसे सर्च करना है, इसे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो के नीचे आंसर करना है। नाम चाहो लिखो या मत लिखो, लेकिन रोल नंबर जरूर लिखना। सब बच्चों अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, मम्मी की, पापा की, या घर में जो भी बड़ा है उसकी हेल्प से यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है, ये वाला आंसर, और टाइप कर देना है, ठीक है। और फिर इस तरह इसको सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, ताकि और भी सब्जेक्ट के जो भी वीडियो होंगी मैं यहाँ डालूंगा और देख के घर पे मोबाइल पे इसे पढ़ सको, ठीक है, या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम पढ़ाई करेंगे किसी और सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। बाय।